Hey, hi, what's up, guys? Super Hits 93.5 Red FM पे मैं हूं अभिमन्यु और आज यहां रेड इंडीज डेब्यू में स्वागत करना चाहेंगे यशराज मुखाटे का फ्रॉम औरंगाबाद. अपनी नई गाड़ी में आए हैं, तालियां. First of all, welcome to Red FM Studios, my friend. Thank you so much. I'm so happy that you're here because Red Indies debut एक ऐसा concept है जो ये कहता है कि Red FM India की app पे जाइए. अगर आपने कोई अपना खुद का गाना गाया है, अच्छा गाया है, आपको लगता है उस गाने में दम है, उसे अपलोड करिए. एज एन इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट आपको मौका मिलेगा यहाँ फीचर होने का रेड इंडीज डेब्यू पे और पैन इंडिया हर एक रेड एफएम स्टेशन पे आपकी आवाज चलेगी, आपकी जर्नी आप बयां करेंगे. ऑफ कोर्स वी आर हियर एट द डिजिटल प्लेटफॉर्म एज वेल. यशराज जी, इंजीनियरिंग करी और फिर म्यूजिशियन बन गए? जी. ऐसा क्यों किया? क्योंकि मम्मी को चाहिए था इंजीनियरिंग और मुझे चाहिए था म्यूजिक. तो मम्मी ने बोला पहले इंजीनियरिंग करो, उसके बाद ही करना जो कुछ करना है. तो मम्मी किसको ज्यादा प्यार करती है, डिग्री को या तुम्हें? अभी तो मुझे लगता है डिग्री को करती होगी. अच्छा नहीं, बट जस्ट किडिंग. सो योर फादर, आई हर्ड दैट ही वाज इनटू म्यूजिक. या ही इज अ वेरी गुड मिमिक्री आर्टिस्ट आल्सो एंड ही यूज्ड टू सिंग इन ऑर्केस्ट्रा एंड ऑल. ओके. सो आई वाज इन सुर बचपन से ही. लाइक सैंग द माय फर्स्ट सॉन्ग ऑन स्टेज व्हेन आई वाज 3 इयर्स ओल्ड. आई लाइक दिस कॉन्फिडेंस. आई वाज इन सुर बचपन से ही. गेट इट? या तो वो था और डैडी से मुझे वो आया, म्यूजिक वहां से आया. अच्छा, म्यूजिक वहां से आया. तो आपने इंजीनियरिंग खत्म की, लेकिन जब ये फैसला लिया कि इस तरह से मुझे म्यूजिशियन बनना है, तो सब लोगों का क्या रिएक्शन था? आसपास वालों का, रिश्तेदार आते ना घर में, हाय हाय ये कर रहा है, ये करेगा क्या? जनरली क्या होता है कि पेरेंट्स का सपोर्ट इतना नहीं होता, लेकिन मेरे पास पेरेंट्स का फुल सपोर्ट था. ओके. तो वो मेरे लिए बहुत एडवांटेज था. बाकी फिर दूसरे लोग कुछ भी बोले तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. वाह, लवली, वंडरफुल. पहला गाना आपने कहा 3 साल की उम्र में गाया था, गाना याद है कौन सा गाया था? हाँ, वो इंडिपेंडेंस डे का एक शो चल रहा था तो उसमें मैंने गाया था मेरा मुल्क मेरा देश. ओह वाओ, वंडरफुल, वंडरफुल. मूविंग ऑन टू योर फर्स्ट सॉन्ग व्हिच वाज मंजिल, जो पहला गाना आपने बनाया था. सो वर यू लाइक स्टार्टिंग से ये कंपोजर और यू नो ये धीरे धीरे ये जर्नी स्टार्ट? नहीं, पहले मैं दूसरों के लिए गाने प्रोड्यूस करता था, म्यूजिक प्रोडक्शन करता था और कवर्स बनाता था. तो मेरे यूट्यूब पर सारे पहले कवर्स ही है. ओके. लेकिन फिर वो कवर से ही मुझे आई गॉट अ चांस टू मीट सलीम सर. ओह वाओ, लवली. टेल मी द स्टोरी, कौन से गाने का कवर था? वो मौला मेरे ले ले मेरी जान का कवर था और उन्होंने इंडिपेंडेंस डे के लिए कुछ हैशटैग बनाया था. ओके. और वो कवर मैंने पूरा एकपेला किया था, मतलब विदाउट यूजिंग एनी इंस्ट्रूमेंट्स. करेक्ट. तो वो मैंने शेयर किया इंस्टाग्राम पर, उनको टैग किया था. तो वो उन्होंने देख लिया और फिर मैंने उनको डीएम कर दिया कि मैं आ जाऊँ स्टूडियो मिलने. तो उन्होंने बुला भी लिया, फॉर्चुनेटली. मुझे लगा कि ये क्यों रिप्लाई करेंगे मुझे, लेकिन उन्होंने किया. और फिर मैं उनके वहाँ पर गया तो मैंने ऐसी बात हो रही थी तो मैंने बोला कि कंपोज तो मैं नहीं कर पाऊंगा. तो उन्होंने बहुत सिंपल वे में मुझे एक समझाया कि एक बहुत ही सिंपल चीज़ है कंपोजिशन. ऐसा नहीं है कि कोई बहुत रॉकेट साइंस है. आपको दिल से जो आता है वो करिए और उसके अंदर भी टेक्निकल है, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको कंपोज करने के लिए. ऐसा नहीं कि आपको सडनली आ जाएगा. तो पहले आप स्विमिंग करते थे, नहीं आते ना, अब आता है ना. तो वैसा ही है कंपोजिशन, आप करते जाइए आपको आ जाए. So Manzil was the first song that you composed. Yeah, eventually. After that conversation I started composing my song. How is the song sounding like? Ek bar bajayenge. Yeah, sure. Raaton se andheron ka, subah se ujalon ka, dono ke iradon ka ye nata to dekh. Kitna ye suhana hai, har pal jisko jana hai. आँखों में इन मेरी है एहसास तो देख. तेरी राहों से राहे चुनके मुझको ही तो मंजिल बनाया है. जैसे घुल जाए सांसों में हवाएं, तू मेरी जिंदगी में यूं समाया है. ओ, 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 क्या बात है, बहुत खूबसूरत. वेरी इफेक्टिव कंपोजिशन. उसके बाद फिर एक गाना आपने बनाया तिनका तिनका बरसा. जी जी जी. तो क्या बरसाया आपने तिनके में? तिनके तिनके में ये बरसाया कि जो महक होती है ना पहले बारिश की, उस गाने को मैंने, उस फीलिंग को मैंने कोशिश की कि एक गाने में कैप्चर कर लूं. अच्छा. ओके. और फिर उसका मैंने कुछ लिखा था, फिर मैंने अपने फ्रेंड अंकिता नवले को उसको बोला कि लिख दे कुछ इस पर और उसको आगे कंपोज कर दिया. लवली. सो हाउ डज दैट सॉन्ग साउंड? ओके. तो वो उसका साउंड मैंने बहुत ही, उसमें मैंने गाने में भी रेन का साउंड यूज किया है. okay. विंड का साउंड यूज किया है. ये सारी सॉफ्टवेयर नॉलेज कौन देता है, कैसे? ये देता है यूट्यूब. क्या बात कर रहे हो, इंटरनेट से बड़ा कोई टीचर है नहीं.
आपको जो चीज टेक्निकल सीखनी है आप इंटरनेट से सीख सकते हो फ्री में, ये मैं फ्री बोल रहा हूँ, आप पेड करोगे तो फिर तो बहुत ही बढ़िया। तो ये सब आपने इंटरनेट से सीखा है, सारे गाने बनाना, म्यूजिक को अरेंज करना, प्रोडक्शन करना, दैट्स ब्रिलियंट यार यशराज। यू वांट टू हियर द सॉन्ग? व्हाट डू यू थिंक? या श्योर, गो अहेड देन। तिनका 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 बरसा कारे बदरा क्यों है बरसा बूंद बूंद बरसा बूंद बूंद छलका फूलों जैसा हल्का हल्का महके महके फूलों कलियां महका सा है बाग महकी गलियां और चौबारा महकी सी है शाम ओरे मेघा क्या है मन में तेरे क्यों है बरसा इतना बता क्या है जो ये खारे बूंदों में लाया तूने इतना बता क्यों आज फिर से तिनका 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 बरसा कारे बदरा क्यों है बरसा बूंद बूंद बरसा बूंद बूंद छलका फूलों जैसा हल्का हल्का क्या बात है यार, दिस कॉम्पोजिशन इज फैब। थैंक यू फैब यशराज, मतलब जो जो इसमें माइनर कॉर्ड्स का यूज किया हुआ है, जो ये टच करती है ना दिल को, मतलब एक अच्छा खाली हाईवे। I'm so happy कि मैं जो कन्वे करना चाह रहा था आप तक पहुंच गया। yeah, और खाली हाईवे पे गाड़ी चल रही है और आपने गाना चलाया हुआ है और it is a magical song यार। Takes you somewhere else. Very nice Yashraj. You said that you are a mimicry artist as well, और आप कर लेते हैं तो फिर हो जाए किसी की मिमिक्री, किसकी करते हैं? मैं इरफान खान साहब की आवाज़ थोड़ी मुझसे आवाज़ से मिलती है तो मैं उसको ईजिली कर लेता हूँ। wow. Go ahead. उनका एक डायलॉग है रोक फिल्म का जो मेरा बहुत फेवरेट डायलॉग है, तो मैंने इतनी बार सुना है कि वो मुझे लर्न हो गया उनकी आवाज़ में। पिछले गुरुवार को मैंने अपनी जान लेने की कोशिश की, कोई खास वजह तो नहीं है, कोई तनाव भी नहीं है, मन ऊब गया है। जैसे रोज नया दिन निकलता है, मैं वही पुराना हूँ, दुनिया वही पुरानी है, वो ऐसे ही चली जा रही है। ऐसे ही बहुत बड़ा फेवरेट डायलॉग क्यों है आपका? पता नहीं क्यों बहुत ही टच कर जाता है। अरे इतना मत टच करवाओ। आज सुबह मैंने अपनी जान लेने की कोशिश की, ऐसे अच्छा थोड़ी लगता है सुबह से। अभी अभी तो रेड इंडीज पे आया यार, मैं चाहता हूँ 100 साल जियो, 100 करोड़ गाने निकालो, लोग तारीफे करे, तालियां पीटे, ज्यादा मत फील कर लेना। म्यूजिशियन आदमी हो, जल्दी फील कर सकते हो, मत करना भाई, इतना फील नहीं चाहिए अपने को। अपने को यशराज चाहिए, यशराज के तिनका तिनका बरसा जैसे और गाने चाहिए अपने को मार्केट में। ओके, वन लास्ट क्वेश्चन जो मैं पूछना चाहता हूँ यहाँ पर, अगर म्यूजिशियन नहीं होते तो क्या होते? ओ मुझे नहीं पता, म्यूजिशियन नहीं होता तो शायद कुछ क्रिएटिव कर रहा होता, अगर एनिमेटर बन जाता या फिर कुछ स्केचिंग कर लेता ऐसे कुछ। मतलब मम्मी को सिर्फ डिग्री दी रखी है मम्मी को। हाँ, मैं ट्रिक क्वेश्चन था मेरा ताकि माँ को इम्प्रेस कर सको, लेकिन यहाँ भी तुमने वही मम्मी आपको डिग्री पकड़ा दी, रख लो आप। कौन करेगा वो, उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर हूँ मैं। हाँ। और उसमें होता है बहुत ही डिटेलिंग की रजिस्टर का कलर कोड क्या है और उसका कैसे करते हैं, वो मुझे आज तक नहीं आता, मैं पास हो चुका हूँ, लेकिन अभी आप बोलोगे तो मैं नहीं कर पाऊंगा। देखिए हूँ तो मैं भी एक आईटी ग्रेजुएट, चलो अगर आप हमसे पूछेगा C++ जावा और ओरेकल का करना क्या है तो हम भी बोलेंगे छोड़ना, चल बाहर चलते हैं, चिल करने चलते हैं। खैर, सुबह हिट्स 93.5 रेड एफएम पे, ये थे मेरे साथ इस बार के रेड इंडीज डेब्यू आर्टिस्ट, नाम है इनका यशराज मुखाटे फ्रॉम औरंगाबाद। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट यशराज। थैंक यू, आप बहुत सॉफ्ट स्पोकन है, आप हम्बल है, बस ऐसे ही रहिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच, सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम। बजाते रहो।